तो फाइनली चाय आ गई है और ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे कैसे खत्म कर देंगे? खिचड़ी बना नहीं है और वीडियो अभी क्यों करते हैं? ये चूड़ा खिला के खत्म करते हैं। जैसे मैं चाय लाऊंगी ना पांडे जी, यहीं पे वीडियो खत्म कर देंगे। बड़े दिनों के बाद तो आज मेरे वीडियो में चाय मिल रहा होगा आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। तो यहाँ पे पांडे जी का पूजा पाठ चल रहा है। पांडे जी ने भोग लगा दिया है, दही चूड़ा और केला तिलकुट और गुड़ का। और बस अब ये बैठेंगे पूजा करने के लिए। मैं सोची थोड़ा सा मैं भी सूट कर लेती हूँ, मुझे मोगा का तलाश चाहिए बस, और क्या कहें। वीडियो शूट अब कहीं कुछ थोड़ा सा होता है ना तो मेरा दिल करता है पहले कैमरा ही उठा लूँ, नहीं कैमरा तो मैं मोबाइल से शूट कर लेती हूँ। तो आजकल पांडे जी मेरे ऊपर हो रहे हैं गुस्सा कि आजकल तुम्हारी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है। और तो चलिए कोई बात नहीं, सुधारने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को। पूरी का लेके आए हैं, लड़ुआ बोलते हैं हमारे इधर, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ लोग लाई बोलते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद कुछ केक लेके आए थे पांडे जी, तो केक ये था कुछ बच्चों के लिए। आजकल बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ खाने पीने का डिमांड चलते रहता है। देखिए केक का डब्बा है, ये सब हमने बाहर ही रखा है। और ये कुछ इस तरह का नमकीन का पैकेट था, ये गोल गोल सा। लिज्जत पापड़ मंगवाया था, लिज्जत पापड़ भी नहीं, ख़त्म हो गया था ना, तो शाम में खिचड़ी बनेगा तो खिचड़ी का प्रोग्राम, तो लिज्जत पापड़ मूरी का लड़ुआ यहाँ छोटे छोटे कितना अच्छा मिल जाता है। तो मैंने घर पे नहीं कुछ बनाया बनाया है तो बस यही हमने मंगवा लिया है। ये देखिए आजकल जो है ना मैं चॉकलेट की दीवानी हो गई हूँ, तो ये चॉकलेट आजकल हमारे बहुत खाने लगी हूँ मैं। कुछ मीठा खाने का मन होता है तो ये डार्क चॉकलेट, बट उतनी टेस्टी नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि अच्छा होता है, तो बोले चलो भाई यही चॉकलेट खाया जाए कभी कभी। तो ये एक पीस रखती हूँ छोटा सा जो है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े चीज़ें मैं रखती हूँ स्टोर करके। हैप्पी मकर संक्रांति। मेरे बाल धुए और मैं अभी रेडी नहीं हुई। अच्छा, परी नाक से बोलती है। लो दे दो, इधर तो दे दो, दो बना। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। दही चूड़ा तिलवा आ जाइए। इस बार दही हमने घर में नहीं जमाया क्योंकि पांडे जी को खांसी हो रहा है और परी हमको बोल रही है मैं बाहर की दही नहीं खाऊंगी, इसको मम्मा के हाथ का दही पसंद है। फर्स्ट टाइम बना था ना दही। आप मत खाइए। क्यों? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ये प्रसाद है ना भगवान का। आज का दही चूड़ा का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। टेस्टी बना देते हैं। कल मेरा व्रत था, आज दही चूड़ा खाने को मिल रहा है। आज ये सारे लोग कचौड़ी खाते हैं, कचौड़ी और सीताफल की सब्जी बनी है। रेडीमेड? रेडीमेड है। मैं बताऊं क्या है इसमें? इसमें कचौड़ी एक लंबी मिर्ची है, उसमें मीठी चटनी और पानी वाली चटनी, मीठी सब्जी और तीखी सब्जी है। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी आई हूँ वॉक करके आ गई और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पी हूँ। और ये देखिए ये डब्बा जो मुझे अब इस्तेमाल नहीं करना है, मैं अब तक आ गई उस डब्बे से। मेरे बच्चे ना बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे किचन में आते हैं, मेरे बच्चे खुद ही कुछ कुछ कर लेते हैं और चुपचाप इसको उलट पलट करके चले जाते हैं। गिर गया था तो जब गिर गया ना तो फिर मैंने सोच लिया कि अब इसमें मैं नहीं रखूंगी, इसीलिए नहीं रखूंगी कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। ये बात है, मेरे बेटू को दिक्कत ना हो क्योंकि आता है कभी जेम रेड निकाल के
लगा के खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। मम्मी को परेशान करना हमेशा एक रीजन नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें सोची मैं नहीं रखूंगी। कैसे एक दिन गिर गया तो मैं सोची इसमें रखूंगी ही नहीं। और ऐसे भी मुझे इसके पहले भी मैंने सोचा था इसमें रखूंगी नहीं। ऐसे मैंने डब्बे का वीडियो तो मैंने शूट किया है जो मैंने मंगवाया है, बट मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं करूंगी, थोड़ा सा रुक के करूंगी। बट मैं मंगवा ली हूँ बट रुक के करूंगी। मैं सोच रही हूँ अब प्लानिंग जो है तैयारी करना चाहिए जाने के, तो इसलिए मैं भी फिलहाल रखती हूँ। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, मांगी चाय। एक गिलास बेटा उसे पानी दे देना मुझे बस। आधा गिलास तो छोटा वैसे। हाँ दे दो। हेलो मजी, पता मजी आपने आप जो वीडियोस बनाते हो ना इंस्टाग्राम पे, अभी तक ना यूट्यूब वालों को पता नहीं है। किसको? यूट्यूब लोग को पता है। वो पापा ना वो बनवा देंगे ना उसमें लिंक डाल देंगे और यूट्यूब बना देंगे, इससे लोग देख लेगा। मैं बना रही हूँ चाय, और इधर जो गोभी रखा है ना इसकी बनाऊंगी मैं अभी खिचड़ी। मैंने गोल्ड चाय लिया था वापस कर दिया, फिर हमने मंगवाया है ताजा चाय, तो इसको मैं भी करती हूँ कट। और बहुत ज्यादा थक जाती हूँ फ्रेंड, जब वॉक करने आज सुबह ना नहीं गई थी क्योंकि कल मेरा व्रत था, तो उसके बाद ना नहीं मैं कर पा गई सुबह क्योंकि फास्ट था। तो सोची सुबह नहीं गई तो शाम में जाते हैं, और जल्दी गई जल्दी ही आ गई। ऐसे में एक और थोड़ा सा रुकती लेकिन आर्यन की वजह से आ गई जल्दी, क्योंकि नाश्ता वगैरह देना था। परी तो सो गई थी, और फ्रिज पे देख रहे हैं हमारा कितना सारा सामान है, तो प्लीज इग्नोर कीजिए, इग्नोर एकदम इग्नोर। ये पानी पूरी का पैकेट है थोड़ा सा, यहाँ पे लाल मिर्ची के पैकेट रखे हैं, यहाँ पे ब्रेड के पड़े हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है ऐसी। चम्मच का देखिए कैसे नक्शा बिगड़ गया है। तो मेरी जो चाय है फ्रेंड बन गई। चलिए चलते तो फाइनली चाय आ गई है, और ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे कैसे खत्म कर देंगी, खिचड़ी बना नहीं है और वीडियो अभी क्यों करते हैं, चूड़ा खिला के खत्म करते हैं। जैसे मैं चाय लाऊंगी ना पंडित जी यहीं पे वीडियो खत्म कर देंगे, बड़े दिनों के बाद। तो आज मेरे वीडियो में चाय मिल रहा होगा आपको, और आजकल पांडे जी बोल रहे वीडियो अच्छा नहीं बना रही हो, अच्छा वीडियो बनाया करो। चलिए फ्रेंड मैं पी लेती हूँ चाय, और बहुत सारा मुझे अभी काम भी करना है, गोभी वगैरह कट करना है, बहुत सारी चीजें बनाने वाली हूँ, और इसको भी खोलूंगी क्योंकि जैकेट पहन के काम नहीं हो सकता है, जैकेट पहन के काम, हल्का सा स्वेटर पहनूंगी। Is a bit of a glow around the bright edges because this is a very bright light. It is the earth, but this is bluish because the earth is mostly blue. मैं बैठी हूँ तब से मोबाइल लेके इंस्टाग्राम चला रही हूँ, रील देख रही हूँ, लेकिन खिचड़ी बनाने नहीं जा रही हूँ। बहुत लोगों ने खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा के स्टेटस पे लगा दिया, मैं बैठी हूँ तक गए देख रही हूँ। ये भी मैं भी चेंज नहीं की हूँ। छिन्नू छिन्नू डॉल है ये, मेरी बहुत ही प्यारी डॉल है, देखिए क्यूट गई हो। उसका जूता निकाल दिए परी, देख रहे कहाँ दिया पता नहीं कहाँ दे दी, इतनी प्यारी डॉल है। परी खेलती नहीं थी, मैं अंदर रख दी, फिर उसके बाल बाल भी परी खराब कर दिया थोड़े थोड़े, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और एक पौधा लाए हैं पांडे जी, न्यू पौधा फिर से। La 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 la.
फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूँ पतीली में खिचड़ी, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बनेगा और गोभी वगैरह डाल के बनाऊंगे तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको मिलाने के लिए। और मैं चावल दे दी हूँ थोड़ा सा पानी में भिगोने के लिए, और मटर छील के रखी हूँ, मटर चोखा बनाऊंगी इसका। यहाँ पे आलू मैंने सुबह ही उबाल के रखा था, फिर इसका चोखा बनाऊंगी। गोभी भी निकाल के रखे थे सुबह सब्जी के लिए, लेकिन हमारा आ गया कचौड़ी बाहर से, फिर मैं कचौड़ी ही खा ली। अभी मैं जा रही हूँ दाल, मूंग का दाल और कलाई का दाल दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये देख रहे हैं ये मिर्ची हमारा कचौड़ी आ गया था हमारा, तो ये जब भी आपको दिखे तो समझ लीजिए हमारे घर कचौड़ी आया था। फ्रेंड आलू का चोखा हमने रेडी किया है, अभी टमाटर इसमें जाएगा। तो मैं इसमें दाल दे रही हूँ दाल, इसमें है मूंग और उड़द का दाल दोनों। ऐसे हम लोग को ज्यादा मूंग का दाल ज्यादा ही पसंद है। गोभी हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टमाटर और हरा मटर, तीन डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, नमक को मुझे थोड़ा सा सोच के डालना पड़ेगा। एक ही बार डाल देती हूँ दाल चावल का नमक, वो फ्राई बस काफी डालती। और अब हल्दी, हल्दी देखिए हम किस डब्बे में रखते हैं, हमारा ऐसे नया डब्बा आ गया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा रुक के इसको यूज करूंगी। और ये डब्बा मुझे अब यूज करने का मन नहीं कर रहा। अब मैं इसमें डालूंगी तेजपात, तेजपात मिक्स करके सर्व कर देती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है मटर, और अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर थोड़ा सा। हमने ना इसमें टमाटर डाल दिया है और मटर, और इसको मैं ढक देती हूँ। और ढक के जब इसके अच्छे से गल जाएगा तो मैं थोड़ा सा और फ्राई करूंगी, और थोड़ा सा मसाला और मिर्च डाल के इसको निकाल के रख लूंगी, और जब खिचड़ी पक जाएगा तो उसमें मिक्स करूंगी मैं। और चाहे तो आप आलू भी डाल सकते हैं कट करके, आलू का जैसे भुजिया बनाते हैं, लेकिन मैं आलू इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं चोखा बना रही हूँ, तो ज्यादा आलू वालू हो जाएगा तो इसीलिए नहीं डाल रही हूँ मैं। तो फ्रेंड हमारा इसमें टमाटर मटर नमक हल्दी मसाला मिर्च मैंने सारा कुछ डाल दिया है, और अब ये आलू डाल दूंगी इसमें मैं, और आलू डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। अब थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाल दूंगी ऊपर से, आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं डाली हूँ। और ये फ्राई हो गया है, और इसमें मैंने चावल डाल दिया है। इस दिन का बहुत ही इंतजार रहता है, ऐसे पहले भी बना के खिचड़ी तो बनता ही है लेकिन गोभी वगैरह डाल के बनाती नहीं हूँ। इसको जो है ना मैं अच्छे से भी पकाऊंगी, 3-4 मिनट तक अच्छे से इसको भूनूंगी मैं अच्छे से, क्योंकि मटर मैं ना लास्ट में डाल दी। मैं देवरानी का फोन आ गया था तो मैं बात करने लगी, तो मटर मैंने लास्ट में डाला है, इसको थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ही मैं इसको निकालूंगी अच्छे से। मटर को कम गैस का फ्लेम कम करके अच्छे से इसको भूनूंगी 3-4 मिनट तक। और खिचड़ी भी हमारी इधर रेडी हो रही है, और आज मैंने थोड़ा सा खिचड़ी जो बनाया है ना पतीले में बनाया है, और मकर संक्रांति का जो होता है ना खिचड़ी जानते ही हैं। तो फ्रेंड हमारा जो है खिचड़ी बनके रेडी हो गया है, और ये जो गोभी आलू है सारा कुछ डला हुआ है इसमें, मसाला वगैरह सब इसमें मैं कर दूंगी मिक्स। और देखिए, और अब मैं इसमें छौंक लगा दूंगी ऊपर से, आप चाहें तो लगाएं नहीं तो ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा छौंक लगा दूंगी। देखिए हमारी जो खिचड़ी है अच्छी वाली बनी है, और अभी मैं इसे ढक देती हूँ, और अभी मैं छौंक लगाती हूँ। सिंपल जीरा और सूखी मिर्च से मैं ही छौंक लगाऊंगी, आप चाहें तो घी से भी लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घी का छौंक मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ऊपर से डाल के मैं घी खाती हूँ लेकिन छौंक में मुझे घी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो गया, और ये इधर चोखा भी रेडी हो गया।
फ्रेंड, ये हमारा घी है जो मैं इसमें खिचड़ी में अंदर डाल के पिघला रही हूँ और मैं इसे मिक्स करूँगी अब। तो हमारा गर्मा गर्म खिचड़ी और चोखा, अचार और पापड़, दही भी है फ्रेंड, बट रात में दही नहीं खाऊंगी, ठंडा होता है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।